Priyanka Chopra starrer Mary Kom biopic has already faced its first controversy. Ek certain makeup artist ne claim kiya ki unhone is film mein PC ke special look ke liye prosthetics ka istemal kiya tha. Lekin apparently he wasn't remunerated for his services. The makers have now decided to go with the use of VFX to create Priyanka's look. अनिल कपूर और जॉन अब्राहम की राइवलरी के चर्चे रेस 2 फिल्म के समय से हो रही है और अब उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला की प्रमोशन के दौरान देयर राइवलरी इज वंस अगेन स्टीलिंग द लाइमलाइट। ऐसा सुनने में आया है कि अनिल कपूर हैज आस्क्ड प्रोड्यूसर एकता कपूर टू लेट हिम प्रमोट द फिल्म सोलो एट सर्टन इवेंट्स एंड एकता हैज अपेरेंटली कम्प्लाइड। सलमान खान जो कि लैक ऑफ टाइम एंड पेशेंस की वजह से कभी भी कोई डांस स्टेप्स रिहर्स नहीं करते विल बी सीन रिहर्सिंग फॉर अ सर्टेन डांस सीक्वेंस इन सुहेल खान्स फिल्म मेंटल। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कोरियोग्राफर रेमो डिजूजा इंसिस्टेड दैट सलमान एब्सोल्युटली हैज टू रिहर्स बिफोर गिविंग द फाइनल शॉट। खबरों की माने तो वेलकम की सीक्वल वेलकम बैक के एक आइटम नंबर के लिए मल्लिका शेरावत की जगह सनी लियोनी हैज बीन फाइनलाइज्ड। फिल्म के मेकर्स मानते हैं कि इस वक्त सनी की पॉपुलैरिटी मल्लिका से कई ज्यादा है एंड दे वांट टू मेक यूज ऑफ दैट।